हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? हमने एसिड बेस सॉल्ट के लास्ट लेक्चर्स में हमने कुछ आपका एसिड बेस को डिफरेंस क्रिएट करने वाले या डिफरेंस करने वाले इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था हमने। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा एसिड। एसिड क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन कौन से एसिड्स होते हैं, हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, एसिड्स पढ़ते हैं। तो बात करते हैं एसिड, एसिड ठीक है, जिसको हिंदी बोलते हैं तेजाब। ठीक है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है, एसिड की क्या प्रॉपर्टी है वो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। अभी आपके सिलेबस में जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो हम थोड़ा ज़्यादा नहीं जाएंगे, बस थोड़ी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और कितने टाइप्स का होता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, एसिड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एसिड की, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज है होती है टेस्ट। टेस्ट में क्या होता है आपका, सौर होता है। ठीक है, टेस्ट कैसा होता है उसका, सौर होता है, मींस खट्टा होता है। टेस्ट का कैसे होता है आपका, खट्टा टेस्ट होता है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है लिटमस टर्न, ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, जो आपका लिटमस पेपर, जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको क्या कर दे, रेड में कन्वर्ट कर दे, वो आपका एसिड है। ठीक है, थर्ड पॉइंट डोंट इफेक्ट ऑन टर्मरिक सॉल्यूशन। ठीक है, जो आपका टर्मरिक सॉल्यूशन है, यानी आपका टर्मरिक सॉल्यूशन मींस हल्दी, हल्दी के सॉल्यूशन पे कोई इफेक्ट ना डाले, ठीक है, वो कहलाता है आपका एसिड। नेक्स्ट कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव नेचर का मीन्स है कि आपका जो भी एसिड होता है वो क्या करता है, किसी भी मेटल्स को, ठीक है, क्या कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। ठीक है, उसको गला सकता है, उसे डिके कर सकता है आपका। ठीक है, डिके तो डिके कर सकता है, गला सकता है, कम कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, कोरोड कर सकता है। ठीक है, वो आपका, उसको बोलते हैं हम आपको एसिड बोलते हैं। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। और भी कुछ प्रॉपर्टी थी एसिड की, ठीक है, एसिड की और क्या प्रॉपर्टी थी, चाइना रोज। ठीक है, चाइना रोज सॉल्यूशन टर्न इनटू डीप पिंक। ठीक है, जो चाइना रोज सॉल्यूशन था उसको किस में कन्वर्ट करती थी, ये एसिड डीप पिंक में कन्वर्ट करते थे। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए इसे। नेक्स्ट चलते हैं हम आपका टाइप्स ऑफ एसिड पे। टाइप्स ऑफ एसिड, एसिड के कितने टाइप्स होते हैं, तो पहला जो टाइप्स है वो कहलाता है आपका ऑर्गेनिक एसिड। ओके, ऑर्गेनिक एसिड्स। दूसरा जो कहलाता है आपका मिनरल्स एसिड। अब ये मिलते कहाँ पे, दो टाइप तो हो गए कि टाइप्स ऑफ एसिड हो गया, ऑर्गेनिक एसिड हो गया और मिनरल एसिड हो गया। ये मिलते हैं आपका कहाँ से होता है, ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, और कुछ कहीं माइक्रोब से मिलता है आपका, बैक्टीरिया से मिल जाते हैं आपको छोटे छोटे। दूसरा है आपका कहाँ से मिलता है, ये ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ मिनरल्स। जैसे नाम से मिल रहा है मिनरल्स, अर्थ में जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है, जो अर्थ से मिनरल्स निकलते हैं उनसे हमारे ये ऑब्टेन होता है, ये हमसे मिलता है, प्लांट से मिल जाता है या फिर एनिमल से मिल जाता है। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं हम आपका कि जो आपके ये मिनरल्स हैं या फिर आपके ऑर्गेनिक एसिड हैं होते कौन कौन से हैं। तो उसके बाद बात करेंगे हम ऑर्गेनिक एसिड के, ये आपके कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपका ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आता है एसिटिक एसिड्स, ठीक है। एसिटिक एसिड्स आता है, इसको आप एक नाम से और जानते हैं, विनेगर, हिंदी में बोलते हैं सिरका, ठीक है। विनेगर होता है और इसको बोलते हैं हम सिरका, ये होता है एसिटिक एसिड। क्या यूज किया जाता है, सबसे पहले इसका यूज क्या होता है, प्रिजर्वेशंस के लिए, डी स्केलिंग ऑफ डिपॉजिट्स, ठीक है। जो आपके पानी का बर्तन है उसमें डिपॉजिट जमा हो जाते हैं मिनरल्स के, उसको साफ करते हैं हम आपका सिरके से यानी एसिडिक एसिड से। एक और काम करते हैं हम आपका ड्रेसिंग ऑफ सैलेड, हम सैलेड में भी यूज करते हैं आपका, ठीक है। कुछ लोग इसमें मूली और ये गाजो प्याज डाल के खाते हैं, ठीक है, ये इसको हम यूज करते हैं। उसके बाद यूज बात करते हैं एजोबिक एसिड की, ठीक है। ये कहाँ यूज होता है, ये बेसिकली जो आपके खट्टा होता है, खट्टे टेस्ट में यूज करते हैं। और ये इसका एक नाम और होता है आपका, होता है विटामिन सी, ठीक है। किससे मिलता है आपको, लेमन, ठीक है, लेमन मिल जाएगा, ऑरेंज मिल जाएगा, कुछ बेरी मिल जाएगा आपको, ये आमला होता है, आमला बोलते हैं इसे, आमला, ठीक है। ये सब आप किसे मिलेगा, जो भी कैसे भी मिलेगा, ये पॉइंट्स क्लियर हैं। उसके बाद बात करते हैं हम आपका सिट्रिक एसिड, ठीक है। बात करते हैं आपका सिट्रिक एसिड, एक बार इसे देख लीजिए, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड मीन जो आपका मिलता है सिट्रस फ्रूट होते हैं उससे मिलता है, सिट्रिक एसिड मिलता है जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, यानी इसका एजोबिक एसिड का एडिशन होता है। उसके बाद बात करते हैं आपका लैक्टिक एसिड की, ठीक है। ये मिलता है हमारे कर्ड में, ठीक है, ये मिलता है हमारा कर्ड में, मिल्क में, ये हमारा मिलता है आपका लैक्टिक एसिड। तो ये कुछ कुछ मेन आपके एसिड्स हैं, ठीक है। एक बार इसका रिव्यू कर लीजिए, वीडियो पॉज की इसको भी देखिए एक बार। उसके बाद जो नेम आता है वो आता है आपका मिनरल एसिड का, मिनरल एसिड, ठीक है। मिनरल एसिड कहाँ से ऑप्टेन हो रहे हैं, ऑप्टेन फ्रॉम द अर्थ मिनरल, जो अर्थ मिनरल है उससे हमारे क्या हो रहे हैं, ये आपके मिनरल एसिड ऑप्टेन हो रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो आता है आपका हाइड्रो क्लोरिक एसिड, फॉर्मूला होता है आपका HCl, ठीक है। फिनाम आता है आपका नाइट्रिक एसिड का, नेम होता है इसका HNO3। फिर आता है सल्फ्यूरिक एसिड का, नाम होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF, ठीक है। ये आपके कुछ कॉमन आपके एसिड्स हैं, मिनरल एसिड हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये एसिड है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हो गया, यानी HF। ये आपके इम्पॉर्टेंट जो मेन है वो मिनरल एसिड है, और ये जो HF है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कहलाता है। इसमें अगर आपका ग्लास भी रखेंगे ना, ग्लास भी क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा,
ग्लास भी इसमें घुल जाएगा। ठीक है, हम जो यूज करते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में वो होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं आपका, इसको बोलते हैं हम आपका किंग ऑफ एसिड। ठीक है, इसको बोलते हैं किंग ऑफ एसिड। आज के वीडियो में बस हम इतने बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके जो मिनरल्स यूजेज हैं, आपके जो आपके मिनरल एसिड हैं उनके यूज के बारे में। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।